अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल डिलाइटफुल डिशेस में। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे चना चाट। रमज़ान मुबारक आने वाला है तो हम घर में चना चाट बनाते हैं, तो सोचा मैंने अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ चना चाट की रेसिपी शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, चनों को ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था और इसे मैंने बॉईल कर लिया है। आलू को भी मैंने बॉईल कर लिया था, दो आलू ऐड किए मैंने बॉईल किए हुए। टमाटर ऐड किए हैं दो मीडियम साइज़ के, हरी मिर्चा ऐड किए हमने, प्याज ऐड किए एक मीडियम साइज़ की। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा प्याज भी ऐड कर सकते हैं। बंद गोभी ऐड किए हमने, हरा धनिया और पुदीना ऐड किया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े की ये चना चाट बनी थी, आप बनाएं घर में सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। दही ऐड की है हमने हाफ प्याली। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें चाट मसाला ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है, नमक ऐड किया है 1/2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें 1/2 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं मसालों को, और कम भी कर सकते हैं अगर आप कम मसाला खाते हैं तो। अब ये मैंने रायता रेडी कर लिया था, एक प्याली रायता ऐड किया है। इमली का पल्प ऐड किया है हमने 4 से 5 टेबल स्पून। मज़ेदार चना चाट रेडी हो गई है। आप बनाएं और कमेंट्स में बताएं कि कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।